एसएस जैन सभा शिवपुरी लुधियाना की ओर से महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज का 55वां शुभ दीक्षा महोत्सव महालक्ष्मी पैलेस सुंदरनगर लुधियाना में बड़ी ही हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक अशोक पराशर पप्पी, मदन लाल बग्गा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने विशेष रूप से उपस्थित होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान आयोजित समागमों में अलग अलग जैन परिवारों की ओर से सेवा का लाभ उठाया गया। इस अवसर पर सभा के चेयरमैन डॉक्टर मुलखराज जैन, अध्यक्ष संघ रतन विनीत जैन, महामंत्री राजीव जैन, कोषाध्यक्ष कुलदीप जैन सहित समस्त पदाधिकारी, कार्यकारिणी एवं सदस्यगण मौजूद रहे। गुरनी मैया महासाधवी श्री वीणा जी महाराज का 55वां दीक्षा जयंती महोत्सव जो शिवपुरी जैन समाज को मनाने का मौका मिले, मैं इसलिए अपने सारे समाज वालों, सारे लुधियाने समाज वालों उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनावां दिना कि इदा ही उन्होंने संजमी जीवन खूब अगे वधे फुले तो जिन शासन की धर्म की सेवा करते रहन। अज इत्थे बहुत ही सुंदर इकट्ठ होया है, बहुत ही जिन्हू कहिंदे आ कि सारा लुधियाना ही सारा पंजाब ही इत्थे पहुँचया होया है, तो मैं आए हुए सारे जी आया कहना है तो आशा करदा है कि जो भी असी कभी समागम किया हमेशा ही सब ने सानू इदा प्यार भरिया आशीर्वाद दिता है, तो अगे भी साडे लई इदा ही इन्हां दीआं मंगल कामनावां शुभकामनावां रहणगीआं, तो मैं आए हुए सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। ये जो समारोह है हमारी महासाधवी गुरनी मैया वीणा जी महाराज का 55वां दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। इनकी दीक्षा उनको 55 साल हो गए और इनका संयम जीवन जो कि लगभग 50 साल हो गए इनको, इन्होंने दोपहर को एक टाइम ही समय भोजन करते हैं और ना कभी इन्होंने गर्म वस्त्र धारण किए हैं और दो ही वस्त्र है इन्होंने रखे हुए, वही पहन के वही उसको करते हैं। इनका संयम हम क्या कहें, ये तो हमारा पुण्य है, हमारे अध्यक्ष जी हैं इनका पुण्य है कि इनको हमें शिवपुरी समाज को ये 2023 का चतुर्मास प्राप्त हुआ और हम गुरनी जी महाराज को शत वंदन करते हैं, नमन करते हैं। मैं सभी आए हुए मेहमानों का जो कि लुधियाना से जो बाहर से क्षेत्रों से भी आ रहे हैं, जो लुधियाना के समस्त युवक संघ है जिन्होंने हमें सहयोग दिया, हमें भोजन में सहयोग दिया और मेरा अपना युवक संघ वर्तमान जय युवक संघ जिसके अध्यक्ष विनीत गौरव जी, हमारे चेयरमैन भाई विनीत जी हमारे सभा के अध्यक्ष भी हैं, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप आए और हमें आशीर्वाद दिया, धन्यवाद। सक जैन परिवार अज गुरुदेव इकट्ठे हो गए सारियां नूं, अज असी अपने आप नूं भागां वाले गिणदे आ क्योंकि गुरुआं दी कृपा और गुरुआं दा आशीर्वाद जिहड़ा अज सानूं मिलिया इत्थे सारियां नूं। मैं हलका सेंटर दा सेवादार होण दे नाते दसना चाहुंदा कि जैन परिवार दा जिहड़ा लुधियाने नूं पंजाब नूं जो इस समाज दी देण आ, ये हमेशा जिहड़ी कोई गरीब गुरूबे की सेवा दे विच जैन समाज बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा पाउंदा और इन्हां दे गुरुआं ने जो सानू आशीर्वाद दे के अज समाज दे सेवा दे मुतलक दस्सिया वा, उस दसे हुए रस्ते दे उत्ते लोकां दी सेवा करनी और गरीब गुरूबे की सेवा करनी, ये इंसानियत दा पहला धर्म आ। अज दे दिन मैं सारे समुचे जिथे जैन समाज नू मुबारकबाद दिना और उत्थे गुरुआं दी कृपा दे नाल ऐसे तरह ही साडा पंजाब, साडा लुधियाना इसे तरह ही हमेशा समाज दी और देश दी सेवा करदा रहे। सभी को सादर जय जिनेंद्र, मैं राजीव जैन महामंत्री एस एस जैन सभा शिवपुरी लुधियाना। आज हमारे लिए परम हर्ष का विषय है कि हमारे गुणीवर्य तपोनिधि महासाधवी श्री वीणा जी महाराज जिनका आज 55वां दीक्षा दिवस, दीक्षा मीन संन्यास, चाहे जैन धर्म हो चाहे सनातन धर्म हो, हमारी भारतीय संस्कृति में संत समाज जिनकी हमेशा यही प्रेरणा रहती है कि हम संसार से अपनी आत्मा के तरफ चलें, अपनी आत्मा के कल्याण की तरफ चलें और यही मोटिव हमारी माँ साध्वी जी का 55 वर्ष पूर्व इन्होंने जैन धर्म अंगीकार किया यानी संजीवी जीवन, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आज एक भव्य समारोह महालक्ष्मी पैलेस सुंदरनगर में इनके गुणों की गौरव गाथा को बखान करने के लिए कि कैसे ये जन कल्याण आत्म कल्याण में प्रयासरत हैं।